आज मैं बनाने जा रही थी सीख कबाब, दम के सीख कबाब। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। ये देखिए मेरे पास एक पाव कीमा है, ठीक है, और बारीक पिसा हुआ है। इसको अगर बारीक पिसा ना हो तो एक झटका दे लें चॉपर में ताकि बारीक कर लें। साथ ये दो मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे, ब्रेड स्लाइसेस के क्रम्स हैं, ये मैं इसमें साथ ही साथ डाल दूंगी। और इसमें मैंने जितना कीमा उतना ही प्याज, हरी मिर्चें, प्याज दो बड़े लेके इन्हें चॉप कर लिया था, साथ हरी मिर्चें थी 6 से 7 और 3 से 4 चम्मच लहसुन के थे, ये मैं बीच में डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें मैं मिक्स करूँगी। इसमें जाएगी लाल मिर्च, नमक, ठीक है, और इसमें साथ ही साथ जाएगा अजीनो मोटो थोड़ा सा, इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आता है। और मैं थोड़ा सा इसमें डालती हूँ चॉप, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं इसको फ्राइंग के लिए डालती थी, मैं आपको बताती हूँ। देखें जी, ये मैंने मिक्स कर लिया था, अब मैं इसे दूंगी स्मोकी फ्लेवर थोड़ा सा। इस तरह से दम पे रख देंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसको रिमूव करेंगे, फिर इसको मैं फ्राई करना बताती हूँ। जी देखिए, ये मैंने डाल दिए थे फ्राई के लिए, तो कोशिश करेंगे इसमें हरा धनिया कभी ना डालें, हरा धनिया डालने से ना इनका रंग काला हो जाता है, ठीक है। और दूसरे आपका प्याज इवनली चॉप हुआ ताकि बाइंडिंग अच्छी हो, टूटे नहीं, और हल्का हाथ के ऊपर गीला करें पानी, और उसके बाद आप इस तरह से रोल फेस कर लें। सीख डाला जाए तो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं डालूंगी, मुझे नहीं सीख के पास ना, तो मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि मैंने इनको दम बनाया, ठीक है। ये बन जाएंगे तकरीबन 12-1 बनेंगे ये, और इन्हें जब दम लगाती हूँ तो वो मैं आपको बताती हूँ दम लगाने का। हाँ, इन्हें डाल के आप पकाने दिए मीडियम टू हाई फायर के ऊपर। जब ये ब्राउन हो जाए एक साइड से, फिर दूसरी साइड से पलटे, बार बार पलटने से ना ये टूट सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ टोंग या फोर्क पलटेंगे आप, ठीक है, क्योंकि मैं एक पलट के आपको भी दिखाऊंगी। इन्हें टूटना नहीं चाहिए, थोड़े ऑयल में आप करेंगे। चलो फ्राई देखेंगे, ये जो ब्राउन हो गए थे इन्हें मैंने पलटा है, बाकियों को भी मैं इस तरह से 2 फोर्क्स की मदद से पलटूंगी। मुझे डर है कि ये टूट ना जाए क्योंकि नरम होते हैं ना काफ़ी, कई दफ़ा नहीं होती बाइंडिंग ठीक तो वो टूटने का डर रहता है। अवल तो टूटते कम ही हैं, ये देखेंगे भी इजीली हो गया। जब आप देखेंगे ब्राउन होगी एक साइड, फिर दूसरी पलटेंगे आप। अगर आपको लगे बेस से पक रहे हैं तो फिर इन्हें छोड़ दे पकड़ेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ दब कैसे लगा। जी ये देखें फ्राई हो चुके थे, फ्राई हुआ हुआ ऑयल आप कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे, उसी में आप दम लगाएंगे। ये देखें मेरे पास है प्याज, 2 मीडियम साइज़ के मैंने काट लिए इस स्क्वायर्स में, डाइस्ड किए हुए हैं, और टोमेटोज भी हैं, और यही है कैप्सिकम एक लिए। कैप्सिकम सिर्फ एक इसलिए डाल रही हूँ कि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हमें इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए नहीं, कलर के लिए ऐड करी हूँ, ज़रा थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो गया इसका, ठीक है। ये देखिए ये सारी चीज़ें कटी जाएंगी, इन्हें ज़रा सा हम स्टर फ्राई करेंगे, आप हंसने टाइप का डालें नमक मिर्च, मैं क्योंकि कबाबों में भी है तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं रखती हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं है। इसको हल्का सा भूनें, हल्दी डालें, चाहे तो गरम मसाला डालें, अवल तो मैं अब कुछ भी नहीं डालूँगी, ब्लैंड मिर्च क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी चीज़ें डल चुकी हैं कबाब में। कबाब बड़े अच्छे फ्राई हुए, ये देखें कितने अच्छे फ्राई हुए, एक ही टूटा है मेरा, बाकी तो सारे ठीक ही रहे, वो भी मेरी गलती, मैंने जल्दी पलट लिया था। तो अब ये है कि इनको दम पे रखूँगी मैं इसी बेस के ऊपर, इसको ज़्यादा भूनना नहीं आपने, ये अपने ही पानी में गलेंगे और इनको कबाबों को डालने के बाद आप छेड़ेंगे, ठीक है, आप इसको हरगिज़ नहीं छेड़ेंगे। आप इसको रखेंगे 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट हल्की आंच के ऊपर आप रखें, और उसके बाद आके देखें आपके हो चुके होंगे दम के कबाब तैयार। सर्व कीजिए, बड़े मज़े के लगते हैं ये नान के साथ, चटनी के साथ, इंजॉय कीजिएगा। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसे लगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू। देखिए दी, ये हो चुके थे 5 मिनट, मैंने थोड़ा सा हिलाया इनको, अब मैं इन्हें सर्व करूँगी सर्विंग बाउल में। आप लोगों का जैसे देख करें वैसे सर्व कीजिए, ऊपर आप इसके टॉप पे हरी मिर्चें, हरा धनिया डालना मत भूलिएगा, रोगी नान और